नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में मैं आज आपकी एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने जो गैस लिया हुआ है उसकी सब्सिडी आपको मिली या नहीं मिली या कब पहुंचेगी, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, रेड बटन सब्सक्राइब का उसे दबाएं और वीडियो को आखिरी तक ध्यान से सुने। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जो दोस्त पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। जो आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, दोस्तों सरकारी एलपीजी इंडियन भारत गैस एचपी गैस गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देती है ताकि हर घर में गैस कनेक्शन हो और लोगों को फायदा मिले। सरकार ने एलपीजी की सभी एलपीजी सेवाओं को ऑनलाइन भी कर दिया है। अब आप एलपीजी गैस की बुकिंग से लेकर कई अन्य काम भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब आप एलपीजी गैस को ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। अब जब एलपीजी सेवाओं से संबंधित सभी काम ऑनलाइन हो रहे हैं तो ये भी जरूरी है कि आपको मिलने वाली एलपीजी सब्सिडी भी आपके सही अकाउंट में आपको आसानी से मिल जाए। एलपीजी की सब्सिडी भी आपको ऑनलाइन ही मिलने लगी है। हालांकि हमारे सामने ऐसी भी कई मामले हैं दोस्तों जहां उपभोक्ता को मिलने वाली सब्सिडी की रकम गैस कर्मचारी के अकाउंट पर पहुंच जाती है। या दोस्तों हम अक्सर जो है उसका इंतजार करते हैं लेकिन मालूम नहीं क्या होता है, बाद में पता लगता है कि किसी गैस कर्मचारी के अकाउंट पहुंच गई है। इसलिए अगर आपके अकाउंट में सब्सिडी की राशि नहीं पहुंच रही है तो सब्सिडी स्टेटस चेक करें। जी हाँ दोस्तों, सब्सिडी स्टेटस आप चेक कीजिए, आप आसानी से कर सकते हैं। आप आसानी से माई एलपीजी सब्सिडी ऑनलाइन देख सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने एलपीजी गैस की सब्सिडी का स्टेटस चेक करने के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे ऑनलाइन सब्सिडी चेक कर सकते हैं। साथ ही कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप एलपीजी गैस जैसे कि भारत गैस, इंडियन गैस, एचपी गैस को ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप एलपीजी गैस के लिए ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप नया एलपीजी कनेक्शन लेना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एलपीजी गैस बुकिंग ऐप का भी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। या दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देखें कि हमारी जो सब्सिडी स्टेटस को कैसे देखें, इस बारे में बताता हूं। अगर आपके अकाउंट में सब्सिडी की राशि ना आए तो इसकी जानकारी लेने के लिए आप क्या करें, आसान तरीका दोस्तों, ऑनलाइन सब्सिडी स्टेटस रिपोर्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले www.myLPG.in, यहां दोस्तों मैं इसको तीन बार रिपीट करूंगा ताकि आप आसानी से
सुनकर समझ सकें myLPG जिसे कहते हैं, तो myLPG.in। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों, myLPG.in साइट पर जाना होगा, जहां तीन गैस कंपनी के नाम मिलेंगे। आपने जिस गैस कंपनी से कनेक्शन लिया है उसके नाम पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा, जिसमें कई कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। आप जो है ऑनलाइन फीडबैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन फीडबैक जो है ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें, जिसके बाद कस्टमर केयर सिस्टम का एक पेज खुल जाएगा। जी हां दोस्तों, कस्टमर केयर सिस्टम का एक पेज खुलेगा, जिसमें आपको डिटेल भरना होगा, यानी आप का रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और एलपीजी आईडी। आईडी डालते ही एलपीजी से संबंधित सभी जानकारियां मिल जाएगी, जैसे सब्सिडी की राशि कब डाली गई और कितनी राशि डाली गई, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि सब्सिडी की राशि आपके अकाउंट के बजाय किसी और के अकाउंट में जा रही है तो आप ऑनलाइन ही इसकी शिकायत कर दीजिए। यहाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो है सब्सिडी किसी और के अकाउंट में जा रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टेटस चेक और शिकायत करने के अलावा आप ऑफलाइन भी इसका पता लगा सकते हैं। आप एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर जाकर कंफर्म कर सकते हैं कि उन्होंने आपके अकाउंट को लिंक किया है या नहीं किया है। यहां दोस्तों आप सीधे चल जाइए जहां से डिस्ट्रीब्यूटर, जहां से आपने कनेक्शन लिया हुआ है, जो आसपास में जो बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वहां जाइए। वहां जाके आप पूछ सकते हैं उनसे कि आपने भाई जो है आपके अकाउंट से उन्होंने लिंक किया है या नहीं किया है। कभी कभी बैंक की तरफ से भी दिक्कत होती है, तो जिस बैंक में आपका एलपीजी सब्सिडी फॉर्म भरा है वहां जाकर पता कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों, जिस बैंक से आपने कनेक्शन किया वहां भी जाके पता कर सकते हैं, बैंक ने आपके अकाउंट को सही इंफॉर्मेशन के साथ लिंक किया है या नहीं किया है। ऐसा भी हो सकता है कि बैंक से तो सब्सिडी ट्रांसफर कर दी गई हो लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं आया, ऐसे में आप आधार कार्ड के साथ बैंक में जाकर पता कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड लेके जाइए और बैंक में आप दिखाइए। इसके अलावा अगर आपके आसपास इंटरनेट की सुविधा नहीं है और आपके पास बैंक या डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर जाने का भी वक्त नहीं है, तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि टोल फ्री नंबर पर आप फोन करें। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको टोल फ्री नंबर बता रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। मैं इस नंबर को तीन बार बोलूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 1-800-200-233-555। दोस्तों फिर से नंबर बता देता हूं, 1-800-200-333-555। फिर से नंबर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 1-800-200-333-555 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और हां, अगर आप को एलपीजी सब्सिडी स्कीम के बारे में नहीं पता है और आप
इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको petroleum.nice.in वेबसाइट पर जाकर इस स्कीम से जुड़े। जी हाँ दोस्तों, फिर से मैं आपको बता देता हूं कौन सी साइट है, petroleum.nice.in। जी हाँ दोस्तों, petroleum.nice.in। फिर से मैं आपको बता देता हूं, petroleum.nice.in वेबसाइट पर जाइए, आपको पता चल जाएगा, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो इस जानकारी से आप जो है जिस स्कीम से जुड़ के आप फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।